बट हाँ वाइब्रेशन फॉल्स न्यूट्रल भाई, तो उतना थ्रॉटी नहीं है, वो यहाँ पर आता है। थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज है मेरे साथ द ब्रांड न्यू हीरो XMR 210cc। यस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ रियल लाइफ राइड रिव्यू इस मोटरसाइकिल का। तो आप भाई देख लो गाड़ी फ्रंट टू एंड, और अगर आप लोगों को इसका डिटेल रिव्यू जानना हो तो वो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी कर रखा है। तो फ्रंट में आपको एच शेप का LED DRL देखने को मिलता है, 300mm की पेट्रोल डिस्क देखने को मिलती है, 100 सेक्शन का आपको टायर फ्रंट में मिल जाता है, 37mm की जो है टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाती है, और ये जो आप वाइज़र देख रहे हो ये एडजस्टेबल वाइज़र है, ठीक है। यहाँ पर आपको बढ़िया सी फेयरिंग देखने को मिल जाती है, और ये 210cc का इंजन है, और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट है, और यहाँ पर आपको 230mm की पेट्रोल डिस्क देखने को मिलती है, एंड रेयर का जो टायर प्रोफाइल है वो 140mm का है, और यहाँ पर आपको एच शेप की LED टेल लाइट देखने को मिलती है, एंड अगेन यहाँ पर जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको LEDs देखने को मिलते हैं। सो गाड़ी की जो सीट है वो ये है, स्प्लिट टाइप की सीट इसमें देखने को मिलती है, राइडर एंड पिलियन, और ये रही इसकी ग्रैब हैंडल। तो मैं इसमें बैठ जाता हूँ भाई। तो ये है भाई इसका कॉकपिट व्यू पूरा का पूरा, और इसकी जो सीट हाइट है वो 810mm की है, तो शॉर्ट राइडर भी इसको चला सकते हैं। मेरी हाइट जो है 5'5" है, तो मैं इसमें फ्लैट फुट तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आराम से इसको चला सकता हूँ। और मैं फिर से कहूँगा, अगर आपके पास स्किल है तो आप कोई भी मोटरसाइकिल चला सकते हो। और ये है इसका फ्यूल टैंक पूरा का पूरा, जिसमें आपको करिश्मा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 11 लीटर का है। और इसमें जो भाई इंजन देखने को मिलता है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हीरो हैज़ लॉन्च देयर लिक्विड कूल्ड इंजन, और इसमें आपको 210cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि 25 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 20 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है और लिख के भी आता है एंजॉय योर राइड। और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, टेम्परेचर और बहुत सारी चीज़ें आप इन बटन्स के थ्रू भी टॉगल कर सकते हो, मोड एंड सेट बटन। और ये जो बटन्स है ये एल्यूमिनेटेड बटन है, तो रात में आपको ये दिखेंगे जलते हुए। तो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है, वाइज़र बंद करते हैं। गाड़ी जब 6000-7000 RPM के ऊपर जाता है तो सीट में वाइब्रेशन फील होते हैं और थोड़े बहुत फेयरिंग में फील होते हैं। खैर अभी जब हम इसको चलाएंगे तब समझ में आएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हीरो का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप सरस्वती मोटर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी सारी कांटेक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो पहला गियर मैंने लगाया और इसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, और ये जो डिस्प्ले है ये अडेप्टिव डिस्प्ले है, तो जैसा जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेगी। तो पहला गियर इंगेज, चलते हैं भाई। भाई कमाल की चल रही है मोटरसाइकिल ये, वाओ। बट हाँ वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, अदर देन दैट भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा क्विक है चलने के अकॉर्डिंग, और इसकी रोड प्रेजेंस भी भाई बहुत तगड़ी है, जिस हिसाब का ये लुक प्रोवाइड करती है ना भाई, इसको लोग देखते हैं भाई हेड टर्नर गाड़ी है ये। और यहाँ से भाई यूटर्न लेते हैं, ओके फॉल्स न्यूट्रल भाई। तो गाड़ी का आप साउंड सुन ही सकते हो, साउंड अच्छा है बट उतना थ्रॉटी नहीं है जितना होना चाहिए, बट कंसीडरिंग सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया सा साउंड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी चलाने में। और इसकी सीटिंग पोजीशन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अ लिटिल बिट जो वेट है हाथों का वो यहाँ पर आता है, थोड़ा सा यहाँ पर, तो क्लिप ऑन्स की वजह से थोड़ा सा आपको मतलब कहते हैं मिनिमल अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप यूज्ड टू हो जाते हो तो ये एक स्पोर्ट्स टूरर की तरह बिहेव करेगी, और आप इसमें अच्छे खासे लंबे किलोमीटर्स कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और मिरर की जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया से है, काफ़ी अच्छे से पीछे का जो व्हीकल है वो विजिबल हो जाता है, किसी भी तरह की कोई इशू नहीं है। और जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया सा है, और मुझे लगता है अगर एक दो सर्विस इस गाड़ी की हो जाएगी ये, तो फिर ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा।
तो गाड़ी ओवरऑल तो अभी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। और मैं जिस हिसाब की राइडिंग पोजीशन में बैठा हुआ हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है चलाने में इसको। और इस गाड़ी को एक स्पोर्ट्स टूरर की तरह लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। सो ब्रेक्स इसके भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्रंट ब्रेक की फीडबैक एंड बाइट काफ़ी बढ़िया सी है और अच्छा महसूस हो रहा है। 300 mm की पेट्रोल डिस्क है फ्रंट में और रेयर में आपकी 230 mm की पेट्रोल डिस्क है, तो कोई भी इशू नहीं है। गाड़ी को मनूवर करना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप अच्छा खासा इसमें ट्रैफिक फिल्टर कर सकते हो बहुत ईजिली, तो सिटी के लिए भी ये गाड़ी अच्छी है। और भाई पावर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी से फेंक दे, तो इस तरह का पावर नहीं है कि आपको डरा दे या ऐसा कुछ, बहुत ही मैनेजेबल पावर है। सिटी में आप आराम से यूज़ कर सकते हो और हाईवे में भी इसकी मज़े ले सकते हो। और इस गाड़ी को आप 100 and 110, 90 में क्रूज़ कर सकते हो। अगर आप इससे टूर करते हो तो कोई भी इशू नहीं होगा, आराम से आप इसको क्रूज़ कर सकते हो, तो ये लॉन्ग राइड के लिए भी अच्छी गाड़ी है। और इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 11 लीटर की है, और कंसीडरिंग 200cc मोटरसाइकिल तो ये आपको 35 kmpl का एवरेज निकाल सकती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से चलाते हो तो कंसीडरिंग द हीरो मोटरसाइकिल ये आपको 40 का भी एवरेज निकाल सकती है। और लॉन्ग ट्रैवल को अगर कंसीडर किया जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, तो जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करा सकते हो अपने फ़ोन के थ्रू, और कॉल एंड SMS अलर्ट आपको उसी में देखने को मिलेंगे, तो वो भी फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो आपको क्या है ना, अपने जेब से बार बार फ़ोन नहीं निकालना पड़ेगा टू चेक द नोटिफिकेशन एंड ऑल, तो वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आपको इसमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। और राइडिंग ऑर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन इसके काफ़ी बढ़िया से मुझे महसूस हो रहे हैं। टेलीस्कोपिक फ्रंट में है और रियर में मोनोशॉक है, तो जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है, कहने का मतलब इसमें आपको गड्ढे वड्ढे तुरंत ही नहीं पता चलेंगे, तो इसमें काफ़ी बढ़िया से सस्पेंशन सेटअप भी देखने को मिलता है। और जो इसकी हेडलाइट है और टेल लाइट है और जो इंडिकेटर का सेटअप देखने को मिलता है वो तो भाई क्या ही शानदार लगता है, गाड़ी एकदम हेड टर्नर बन जाती है, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं आपको बार बार कि भाई कौन सी गाड़ी चला रहे हो आप, तो वो एक चीज़ है इस मोटरसाइकिल के साथ। और जो पिलियन की सीट है वो लॉन्ग ट्रैवल के लिए अनकंफर्टेबल है, थोड़ी बहुत दूर अगर जाना हो तो आप जा सकते हो, अदर देन दैट वो ज़्यादा यूजेबल सीट नहीं है, आप इसको ज़्यादातर टाइम सिंगल ही यूज करोगे। तो पीछे वाली सीट क्या है ना, लगेज माउंट करने के काम आएगी, और ये जो राइडर वाली सीट है तो ये तो आपके लिए है। और राइडिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सीट काफ़ी अच्छी है, कुशन काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसमें थोड़ी सी और पैडिंग बढ़वा लोगे तो बहुत ही बढ़िया से ये आपको अच्छे अच्छे लंबे लंबे ट्रैवल करा सकती है। और हीरो भाई इसको प्रमोट भी कर रहा है ट्रैवल के लिए, तो अभी इनकी हाल ही में बहुत सारी सीरीज़ भी चल रही हैं जहां पर ये गाड़ियां स्पीति, लद्दाख ये सारी ट्रेन में चल रही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्पोर्ट्स टूरर, तो प्रेटी मच सारी की सारे फीचर्स आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलते हैं। और जो गाड़ी की फिट एंड फिनिश है वो भी प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बना डाला बस मार्केट में ले आए, वो भी नहीं है, तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों को एक स्पोर्ट्स नेचर वाली मोटरसाइकिल चाहिए और स्पोर्ट्स फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल चाहिए, और साथ ही साथ वो कंफर्टेबल भी हो भाई, ठीक है। कंपेयर करें R15 से तो उसमें तो आपकी कमर टूट जाएगी, लेकिन इस मोटरसाइकिल में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड कमांडिंग पोजीशन में रहोगे, आराम से इसको आप चला सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल रहेगी अगर आपको ऐसी फेयरिंग मोटरसाइकिल चाहिए हो। तो भाई अब ऑलमोस्ट हम शोरूम आ चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को ये वाला राइड रिव्यू पसंद आया होगा, हीरो XMR का रियल लाइफ वाला। तो गाड़ी अब खड़ी कर देते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।